आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम गवर्नमेंट लवर हाई स्कूल जट्टी में आए हुए हैं और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आज बच्चों के द्वारा जो है एनरोलमेंट ड्राइव जो है चलाई गई और इस एनरोलमेंट ड्राइव का आखिर जो मकसद क्या था। आज हमारे साथ जुड़े हैं ZEO असर, इनसे जानेंगे कि आखिर जो एनरोलमेंट ड्राइव आज यहाँ पर चलाई गई आखिर मेन मकसद जो है उसका क्या था। सर सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हमारे बीच में। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आज की जो एनरोलमेंट ड्राइव यहाँ पर हुई मेन मकसद क्या था उसका और किस चीज़ को लेके जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा था। आज का जो हमारा एनरोलमेंट ड्राइव है ये है 2021-22 का और ये जो प्रोग्राम होता है ये हमारा डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान की ओर से होता है। इसमें हमारा जो मेन मकसद है कि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ, घर में हमारा कोई भी लैपटॉप ना रहा, क्योंकि ये समय जो है पढ़ाई का ये पुराना ज़माना था, बच्चे पढ़ते नहीं थे, लेकिन अब जो ये ज़माना है ये पढ़ाई का है। हमारा मेन मकसद होता कि कोई भी बच्चा घर में ये पढ़ाई से महरूम ना रहे। लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले कोविड का दौर था, ऑनलाइन का ज़माना था, तो ऑनलाइन में किस तरह की दिक्कत यहाँ पर खास तौर पर जट्टी में बच्चों पे आई? देखिए दिक्कत तो बहुत सारी हमारे बच्चों को आई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारी बहुत ये उन्हें स्टेप्स अच्छे लिए जिसमें ऑनलाइन क्लासेस थी। कुछ हमारे बच्चे ऐसे थे रूरल में, छोटे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर हमारी ये कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट की। तो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो एजुकेशन के बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी बहुत डेडिकेटेड हैं, CEO साहब बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका हमें यही डायरेक्शन रही, गाइडलाइंस रही कि कॉमेडी क्लास ले लो। कॉमेडी क्लास ले चाहे किसी पेड़ के नीचे रहो, चाहे खुले मैदान में ले लो, कहीं पर लो, चार चार पाँच में बच्चों का तो SOP का ध्यान रखना। तो मुझे लगता है कि इससे कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अगर 100% उतना नहीं हो तो फिर भी 90% हमारे बच्चों का फायदा, थोड़ा सा लॉस होता, क्योंकि ऑफलाइन कुछ और होती है, ऑनलाइन कुछ होती है। तो मुझे लगता है हमारे बच्चों को इसमें नुकसान कम हुआ है। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज की जो एनरोलमेंट ड्राइव यहाँ पर हुई, बच्चों को जो अवेयर किया गया गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अवेयर किया गया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी सुविधा होने के बावजूद भी बच्चे जो है कम गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आते हैं? देखिए जो क्वेश्चन पूछा, बच्चे कम आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, ये मैं तो ये कहूँगा, ये अपनी अपनी राय, मेरी ये राय होती है कि प्राइवेट स्कूल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अच्छा होता है, और दूसरा क्या होता है, बच्चे के यहाँ यूनिफॉर्म पूरी रखनी है, होमवर्क है, सारा कुछ है। और बड़ा क्या, मैं अपनी ज़ाती तौर कहूँगा कि अगर हमारे स्कूल के बच्चे हमने होमवर्क दिया तो पेरेंट्स कम केयर करते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में अगर ऐसा काम नहीं होगा तो दूसरे दिन वो फाइन करेंगे, बच्चे से वसूल करेंगे। तो लिहाजा पेरेंट्स क्या करते हैं, पैसा देते हैं, उस पैसे की खातिर ज़्यादा कहते हैं हाँ जी ये करना वो करना, एक किस्म के भेड़ चाल होती है, ये भेड़ चाल होती है। हालांकि अगर कंपेयर करें हम एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल दे आर टू मच इंटेलिजेंट, वो डेडिकेटेड होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, जबकि हमारे प्राइवेट स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है। और हमारे टीचर अब वो वक्त नहीं रहा है, अब टीचर हमारे बहुत एक्टिव हो गए हैं, डेडिकेटेड हैं, देर रात मेहनत करें, क्योंकि हम इस कोड में देखेंगे तो हमारे बच्चे ऑनलाइन कम होते थे, हमारे टीचर जो ऑनलाइन होते हैं हमेशा ऑनलाइन, क्योंकि मैं देखता था, मैंने पूरा ये देखा, मैं रखता था टीचर के रिकॉर्ड रखता क्या करा, हमारे टीचर जो ऑनलाइन होते थे क्लासे लगातार लेते थे। यह है कि बच्चे जो थे कम ऑनलाइन होते, उसकी यही वजह थी शायद कि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो बात हमारी है कि गवर्नमेंट हमारे टीचर जो हमारे डेडिकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, मेरी फिर यही मेरा आज मकसद ये था कि पेरेंट्स को बताना कि आप अपने बच्चों को वो जो भेड़ चाल है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के वहाँ छोड़ो, आप गवर्नमेंट स्कूल में आए जाकर, हमारे पास हर सुविधा है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, 1st-8 तक मुफ्त खाना है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इस बार ऐसे ट्रेंड किया हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने, पहले हम लेते थे कपड़ा ऐसे रेडीमेड लेते थे, बच्चों को नाप नहीं आती थी बराबर, वो कहते वेस्ट हो जाती, अब हर बच्चे का अकाउंट में 1200-1200 रुपये जा रहा है डायरेक्ट बच्चों का अकाउंट में। मिड डे मील पहले हम ड्राई राशन दिए हमने, अब जो दूसरा तो वो भी इनग्रीडियंट्स के पैसे उनके अकाउंट में जा रहा है। तो सुविधा काफ़ी, हर हमारे पास हर सुविधा, स्कॉलरशिप हम बच्चों को दे रहे हैं, उसमें SC है, ST है, OBC है, मेरिटोरियस हैं,
माइनॉरिटी हैं, हर किस्म के स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को दिए जा रहे हैं, बट अफसोस है कि कुछ लोग फिर भी उनका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। तो हमारा आज का मकसद यही था कि हमारी जो स्कीमें समग्र की लोगों अवगत कराना था कि कितनी हमारी गवर्नमेंट सहूलियत दे रही है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में डालो और उनका बेनिफिट आने वाले टाइम में बच्चे जो है ज़्यादा हमें गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। देखो मुझे लग रहा वक्त बदल रहा है अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल हमारे पास एडमिशन आ रही है और मुझे उम्मीद है पूरी कि हमारे फिर वही कहते हैं ना जो पिछला था जब प्राइवेट स्कूल नहीं थे गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा एनरोलमेंट था और आज मुझे लग रहा है कि हमारे स्कूलों में फिर वही पुराने दिन आएंगे, हमारे स्कूल में फिर ज़्यादा एनरोलमेंट हो जाएंगी। और मैंने बार बार पेरेंट्स से अभी मेरा मकसद पेरेंट्स से ये क्वेश्चन मैंने कि आप बच्चों को हमारे पास भेजो, जब भी कोई कंप्लेंट होगी हाँ हमें बताओ। फिलहाल तो कोई कंप्लेंट ही नहीं आएगी हमारी, वो नौबत ही नहीं, क्योंकि हमारे टीचर बहुत डेडिकेटेड टीचर हैं। हर हमारे चाहे हमारे टीचर हों, चाहे हमारे HOI हों, चाहे हमारे CO साहब हैं, खैर उनकी तो बात ही नहीं कहनी, वो तो 24 घंटे लगे, हमारे डायरेक्टर साहब हैं रात दिन लगे, कमिश्नर शक्ति पूरा डिपार्टमेंट जो इन बच्चों की खातर लगा है ताकि बच्चे हमारे जो हैं ये कल हमारे आने वाले चिराग हैं, ये चिराग कहीं बुझ ना जाए। हर कोई छोटे से लेकर जिनकी कहते हैं ना संतरी से लेकर मंत्री तक हमारा पूरा डिपार्टमेंट पड़ा है बच्चों के पीछे कि ये बच्चे ये चिराग एक रोशन चिराग तरह रोशनी तो इनका उजाला जब दूर दूर तक फैले, और मैं भी उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे ZDO असर, इनका साफ साफ कहना था कि आने वाले टाइम में बदलाव आएगा, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ज़्यादा दिखेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें होती हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा कम है लेकिन आने वाले टाइम में वो भी बदल जाएगा और उम्मीद है कि बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो है आने वाले टाइम में ज़्यादा रुख आने वाले टाइम में करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर हैं उनसे भी बातचीत करें, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ बच्चे भी जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आज जो एनरोलमेंट ड्राइव यहाँ पर हुई जो बच्चों की तरफ से खास तौर पर दिखने को मिली और काफ़ी जैसा जज्बा जो है बच्चों के अंदर दिखा, तो इनसे बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि आज की जो ड्राइव है आखिर क्या मकसद है इन बच्चों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुहीब अहमद है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आज की जो एनरोलमेंट ड्राइव यहाँ पर हुई तो आखिर क्या मकसद था उसका, सबसे पहले तो वही जानना चाहेंगे आप। ये मकसद था कि गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं हमको, इससे बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि जैसे 1st to 8th तक जो है हमें यूनिफॉर्म और जो फ्री टेक्स्ट बुक दिए जाते हैं, उसके अलावा मिड डे मील दिया जाता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं स्पोर्ट्स की, और स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे हमें फ्यूचर में बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसी से तो आज जो अभी ड्राइव आपने की तो क्या लगता है लोग इससे अवेयर हुए, क्या लोगों तक ये बातें पहुंची, क्या लोग जो है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुख करेंगे? अगर डेवलप मतलब गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे हाई स्कूल को डेवलप किया जाए जिससे बच्चों में उनके पेरेंट्स में बहुत क्या उनको मतलब ये हो कि गवर्नमेंट अच्छी मिले यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, हाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है उनको, उनको भी मतलब लगे कि गवर्नमेंट स्कूल में हमें एडमिशन लेनी चाहिए, बच्चों को एडमिशन देनी चाहिए तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो आगे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भेजेंगे। और भी बच्चे इनसे भी जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? दीक्षा देवी। दीक्षा, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज जो एनरोलमेंट ड्राइव हुई मकसद खास तौर पे क्या था इसका? यही मकसद था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट स्कूल आप देख सकते हैं वहाँ के टीचर मतलब ठीक ठाक पढ़े होते हैं पर गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि मतलब गवर्नमेंट है तो नहीं जाना है, प्राइवेट है तो ज़्यादा पढ़े लिखेगा, तो मतलब गवर्नमेंट वजह क्या है, वजह क्या है सबके पीछे, क्यों जो है बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं आते? ऐसे मतलब देखते होंगे ना गवर्नमेंट है छोटा है तो इसमें क्या पढ़ाई होगी, तो मतलब ज़्यादा पढ़ाई इसमें ही है, उसमें भी होती होगी पर ठीक गवर्नमेंट में ज़्यादा पढ़ाई है, ज़्यादा होती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें उन स्कूल में ज़्यादा है लेकिन यहाँ कम है लेकिन एजुकेशन यहाँ पर ज़्यादा है। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी कोविड था, ऑनलाइन का दौर था, तो ऑनलाइन में किस तरह की दिक्कतें जो है बच्चों को खास तौर पर आई? वही कि मतलब कोई होता है गरीब जिसके पास फ़ोन नहीं था, ऊपर से यहाँ पे नेटवर्क का भी बहुत इशू रहता है तो इस वजह से ज़्यादा होता नहीं है, तो मतलब ठीक थी बट ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर से ऑफलाइन ही होना चाहिए बेस्ट है। होना चाहिए कि आप अपील करते हैं गवर्नमेंट से, क्या पता कोविड हुआ, कोविड बढ़ गया आगे तो दिक्कतें फिर बच्चों को आएंगी, क्या उम्मीद करते हैं आप आगे आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए और हमारे गवर्नर साहब से क्या उम्मीद करते हैं? बस यही कि मतलब ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए आगे से। ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं क्या कहना था बच्चों का कि आने वाले टाइम में ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आती है। नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क कनेक्टिविटी इन जगहों पर बहुत कम दिखने को हमें मिलती है, और उसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल को लेकर तो अवेयरनेस आए दिन होती रहती है कि यहाँ पर जो है बदलाव आएगा, बच्चे यहाँ पर आएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कमियाँ जो है गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें दिखने को मिलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो तो बच्चे ज़रूर यहाँ पर आएंगे और अपने पेरेंट्स जो हैं बच्चों को यहाँ पर ज़रूर भेजेंगे। क्या कोई मैसेज रहेगा आपका आखिर में हमारे गवर्नर साहब के लिए कि स्कूलों में किस तरह की जो है चेंजिंग आनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में? बस डेवलपमेंट होनी चाहिए कि मतलब अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इनका यही कहना है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, थोड़ा और अच्छा जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अभी मैं जट्टी में हूँ और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे आज उनने जो है एनरोलमेंट ड्राइव यहाँ पर चलाई। इस ड्राइव का जो है साफ साफ मकसद यही था कि बच्चों को, लोगों को, पेरेंट्स को जो है अवेयर किया जाए कि गवर्नमेंट स्कूल जो है आखिर कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स या अगर हम बच्चों की बात करें या स्कूल्स एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं जो भी आसपास का इलाका हो या जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, बच्चे जो हैं कोशिश करें या पेरेंट्स कोशिश करें अपने बच्चों को जो है स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल में जो है एजुकेशन दिलाए ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।